हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद जेके। और दोस्तों, आज ही हमारा 67 डे है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस का। तो आइए देखते हैं इसके सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस, समृद्धि का मतलब है पैसा और प्रॉपर्टी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स टू हैव मनी एंड प्रॉपर्टी। टू, वो एक निराशावादी इंसान है, उसकी सोच नेगेटिव है। He is a pessimistic person. He has negative thinking. 3. ये मकान 2002 में सरकार के द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था। This house had been acquired by the government in 2002. 4. मैं आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। I am looking forward to meeting you. 5. आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने की उम्मीद कर सकते हैं। You can look forward to buying this property. 6. माना आपके पास पैसे ना हो, अब आप क्या करोगे? For instance, you have no money. What would you do now? 7. माना वहां कोई ना हो, ऐसे में आप डर जाओगे। फॉर इंस्टेंस, देयर इज नो वन, यू वुड बी स्केयर्ड देन। 8. जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको दुनियादारी का पता चलता है। वैन यू गो आउट यू कम टू नो अबाउट लाइफ। 9. मैं रोज दौड़ने जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझ में अच्छा स्टेमिना है। आई गो फॉर रनिंग एवरी डे एज ए कोरोलरी टू दैट आई हैव गुड स्टेमिना। 10. वो अच्छी पढ़ाई करता है, इसलिए उसने पहली ही बार में एग्जाम पास कर लिया। ही स्टडीज वेल एज ए कोरोलरी टू दैट He passed the exam in first attempt. 11. इस वसीयत के अनुसार इस पैतृक संपत्ति पर आपका कानूनी हक है। As per this will, you have legal rights on this ancestral property. 12. आपके जबरदस्त सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for your incredible support. मेरे नजरिए में इस प्रॉपर्टी के रेट तेजी से बढ़ेंगे। इन माय पर्सपेक्टिव द रेट ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल इंक्रीज क्विकली। 14. चीजों को देखने का आपका नजरिया दृष्टिकोण आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। योर पर्सपेक्टिव टू सी थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग्स। 15. मैं इस पेन के लिए केवल 50 की बोली लगा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। आई कैन ओनली बिड ₹50 फॉर दिस पेन, नो हायर देन दिस। 16. यूनियन ने हड़ताल के माध्यम से कंपनी के फैसले का विरोध करने की धमकी दी। द यूनियन थ्रेटेंड टू रिटालिएट द कंपनीज डिसीजन बाई कॉलिंग ए स्ट्राइक। 17. मैच फिक्सिंग के परिणाम स्वरूप एक समिति बनाई गई। ए कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन द वेक ऑफ द मैच फिक्सिंग। 18. मजदूरों के हितों को मद्देनजर रखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया। द पीएम मेड दिस डिसीजन इन द वेक ऑफ वर्कर्स वेलफेयर। 19. उसका लक्ष्य गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। His ambition is to eradicate poverty. 20. केवल एक एक्सपर्ट ही आपकी प्रतिभा का आकलन कर सकता है। Only an expert can assess your talent. तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के सेंटेंसेस। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। और
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम।